नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा करी है कि लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम चालू किया जाएगा। क्या होता है कमिश्नरेट सिस्टम, इसके क्या फायदे हैं, क्या बदलाव होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं, और लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए उपलब्ध है। अगर आप अभी भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा समय देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, और इस कोर्स की मदद से आप ये एग्जाम दे सकते हैं जो कि जून में प्रीलिम्स होने वाला है। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम चालू किया जाएगा। स्टेट कैबिनेट ने इससे रिलेटेड प्रपोजल्स को पास कर दिया है। वो 2 शहर होंगे लखनऊ, जो कि राजधानी है, और गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहते हैं। देखिए, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऑफिशियली इस जगह का नाम नोएडा नहीं है, गौतम बुद्ध नगर है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के कुछ गांव भी शामिल होते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला एरिया आपको डिस्ट्रिक्ट जो नजर आ रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है ग्रेटर नोएडा, और यहां पर आप देखिए राजधानी है लखनऊ। तो लखनऊ शहर और नोएडा वाले एरिया में ये 2 जगह पुलिस कमिश्नर सिस्टम चालू किया जाएगा। अगर ये सिस्टम इन दोनों शहरों में सक्सेसफुल रहा तो यूपी के अन्य बड़े शहरों में भी लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के लागू करने के लिए मिनिमम आबादी 10 लाख होनी जरूरी है। तो लखनऊ और ग्रेटर नोएडा की आबादी तो काफ़ी ज़्यादा है, लखनऊ 30 लाख आराम से क्रॉस कर चुका है। 2021 का जो सेंसस होगा उसमें हमें और एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा। और ग्रेटर नोएडा की आबादी यानी गौतम बुद्ध नगर की आबादी भी है, वो भी अराउंड 20-25 लाख के बीच में है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि कमिश्नर सिस्टम में होता क्या है, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि कमिश्नर सिस्टम गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग मैजिस्टेरियल पावर्स टू आईपीएस ऑफिसर्स। यानी कि यहां पर जिम्मेदारी आईएएस से निकालकर आईपीएस को दे दी जाती है, जिसमें मैजिस्टेरियल पावर काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको समझाता हूं ये क्या होता है। तो पुलिस एक्ट कहता है कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में कमिश्नर होना चाहिए, लेकिन सभी जगह ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जहां पर सरकार को आवश्यकता लगती है वहां पर कमिश्नर सिस्टम चालू किया जाता है, जैसे अभी नोएडा और लखनऊ में किया गया है, और हो सकता है कि आने वाले सालों में ये अन्य शहरों में भी स्टार्ट किया जाए। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है। देखिए, देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, 3 AIS होती हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तीसरी वाली होती है फॉरेस्ट सर्विस। तो भारत के हर जिले में आपको 3 सीनियर ऑफिसर्स जरूर मिलेंगे। एक होगा IAS जो कि कलेक्टर होगा, एक IPS जो SP होगा जिले का, सुपरिटेंडेंट हो सकता है बड़े जिलों में, ज्यादा आबादी वाले जिलों में उससे भी हायर, SP से भी ऊपर वाली पोजिशंस हो, और एक फॉरेस्ट ऑफिसर होगा जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के वन का हेड होगा, जो फॉरेस्ट एरिया है उसका हेड होगा। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आती है कलेक्टर और SP पर, कलेक्टर या फिर जिसे कई बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM भी हम कहते हैं। तो DM और सुपरिटेंडेंट या फिर SP, इन दोनों में जिम्मेदारी बटी होती है जिले को संभालने की, जिले का लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने की। तो ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश काल की परंपरा है। उस समय DM ऑल पावरफुल होता था, DM सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, और उसे असिस्ट करने के लिए एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसकी पूरी पुलिस फोर्स होती थी। तो मेनली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट करता था DM को, और जैसा DM कहेगा वैसा ही पुलिस को करना होता था। तो पुलिस वॉज अंडर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लेकिन ये कॉलोनियल सिस्टम है। तो पुलिस एक्ट भी उसी समय बना था, 1861 में हमारा पुलिस एक्ट आया था, हालांकि उसमें संशोधन होते रहे, लेकिन जो बेसिक एक्ट है वो 1861 से आया है। तो इसमें मैजिस्टीरियल पावर्स जो हैं, जैसे कि किसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट करवाना है, सेक्शन 144 लगानी है, ये सारे मैजिस्टीरियल पावर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होते थे। इसीलिए उसे हम मैजिस्ट्रेट या DM, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स हैं। किसी को अरेस्ट करवाना हो, सेक्शन 144 लगाना है, ये इंपॉर्टेंट मैजिस्टीरियल पावर्स हैं जो पुलिस के पास ना होकर मैजिस्ट्रेट के पास होते थे। तो भारत में आज़ादी के बाद भी मोर और लेस यही सिस्टम कंटिन्यू रहा, और इसे हम ड्यूअल सिस्टम ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस कमिश्नरेट सिस्टम के आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव आता है? सबसे बड़ा बदलाव वो ये कि मैजिस्टीरियल पावर्स जो DM के पास होते थे, उनमें से कई पावर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पुलिस कमिश्नर को, यानी पुलिस विभाग को, जिनमें रेगुलेशन, कंट्रोल, लाइसेंसिंग जैसे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। तो अगर आपको कोई बड़ा आयोजन करना है, लेट से आप एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं लखनऊ शहर में, तो अब आपको परमिशन लखनऊ DM के पास जाकर नहीं लेनी है, आपको लखनऊ कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। हथियार लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो पहले DM के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब वो काम भी कमिश्नर के पास ही होगा।
उसके अलावा अन्य कई कंट्रोल्स हैं, जैसे एक्साइज एक्ट के कुछ पावर्स भी दे दिए जाते हैं कमिश्नर को, तो एक्साइज रेगुलेशन भी इनके हाथ में आ जाता है, हालांकि यूपी में नहीं दिया गया है। तो अंडर द कमिश्नरेट सिस्टम सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि कमिश्नर को डीएम को रिपोर्ट नहीं करना होता, कमिश्नर हैज टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कमिश्नर रिपोर्ट नहीं करेगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस इज द हेड ऑफ अ यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर, तो अब यहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से पुलिस के हाथ में आ जाता है, मैजिस्टीरियल पावर्स भी पुलिस के हाथ में आ जाते हैं। कमिश्नर रैंक्स पर आमतौर पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, अभी मैं आपको पूरी हायरार्की बताता हूं। अंडर सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पुलिस कमिश्नर इज डेलीगेटेड लीगल पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये वाला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी डीएम का पावर होता है लीगल पावर, वो भी किसे दे दिया जाता है, पुलिस कमिश्नर को, और जो उसके जूनियर्स होंगे पुलिस कमिश्नर के, जैसे कि जॉइंट एडिशनल और डेप्यूटी कमिश्नर्स, उन्हें भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर्स मिल जाते हैं मजिस्ट्रेट के। तो कुल मिलाकर पुलिस की हायरार्की को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैजिस्टेरियल पावर्स यहां पर दे दिए जाते हैं अंडर अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। अब आप इस टेबल को देखिए, ये हायरार्की बताता है उन पोस्ट के बीच में जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम है और जहां पर वो सिस्टम नहीं है। तो लेट से एक राज्य है जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज द हाईएस्ट ऑफिसर, पूरी राज्य की पुलिस इनके अधीन होती है। कमिश्नरेट सिस्टम है तो भी डीजीपी ही हाईएस्ट होगा, लेकिन डीजीपी रैंक के बराबर के ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में होता है कि मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है ही इज ऑलवेज ऑफ द रैंक ऑफ अ डीजीपी या फिर एडिशनल एडीजीपी हो सकता है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी होता है। थोड़ा सा देखिए वेरिएशन होता है हर राज्य में डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी। तो मुंबई का मैं आपको बताता हूं कि डीजीपी रैंक का अपॉइंट होगा, लेकिन लखनऊ में अभी क्या किया है, इन्होंने एडीजी रैंक के ऑफिसर को सीपी अपॉइंट किया है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल के ऑफिसर को कमिश्नर, एडीजी रैंक के ऑफिसर को स्पेशल कमिश्नर, आईजी ऑफिसर रैंक को जॉइंट सीपी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी लेवल ऑफिसर को एसीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को डीसीपी अपॉइंट किया जाएगा। अब आपको फर्क समझाता हूं, देखिए नोएडा में अब जहां कमिश्नरेट सिस्टम आया है वहां पर अभी तक हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता था एसएसपी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एसपी से आप समझ लीजिए एक हायर पोजीशन है। तो एसएसपी वाज द हाईएस्ट ऑफिसर इन नोएडा, नोएडा एक बहुत बड़ा शहर है, आबादी उसकी 20 लाख से ज्यादा है, यहां पर जरूरत महसूस की गई कमिश्नर सिस्टम की। तो अब यहां पर जो हाईएस्ट ऑफिसर होगा वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, लेकिन वो डीजीपी रैंक का नहीं होगा, यहां पर एडीजी या फिर आईजी रैंक का ऑफिसर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो लखनऊ में जिसे अपॉइंट किया गया है वो एडीजी रैंक के ऑफिसर हैं जिन्हें कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, लेकिन नोएडा में आईजी रैंक के ऑफिसर को किया जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि हायरार्की में जैसे ही कमिश्नर सिस्टम आएगा तो उस शहर के अंदर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जहां नोएडा में पहले केवल एक एसएसपी पोस्ट होता था वहां पर अब एक सीपी होगा, एक स्पेशल सीपी हो सकता है, एडिशनल सीपी भी हो सकता है, ये ऑफिसर्स पोस्ट रहेंगे। तो जैसे देखिए गौतम बुद्ध नगर में अब एक पुलिस कमिश्नर होगा, दो एडिशनल पुलिस कमिश्नर्स, 5 एसपी रैंक ऑफिसर्स और एक स्पेशल महिला एसपी होंगी जो केवल वुमेन सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाएंगी। और लखनऊ में एक पुलिस कमिश्नर जो एडीजी रैंक का होगा, 2 जॉइंट कमिश्नर्स आईजी रैंक, 9 एसपी ऑफिसर्स और एक महिला एसपी रैंक ऑफिसर महिला सुरक्षा के लिए। तो ये यूपी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। इस सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं बड़ी ब्रीफली। देश में सबसे पहले कमिश्नरेट सिस्टम कहां लागू किया गया था, अंग्रेजों ने किया था कोलकाता में। अगर कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता वाज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस तैनात किया गया। सेकंड उसके बाद मुंबई और चेन्नई प्रेसिडेंसी में ये लागू किया गया। दिल्ली आखिरी बड़ा महानगर था जहां पर ये सिस्टम आया आजादी के बाद। दिल्ली में 1979 ये सिस्टम आया था कमिश्नरेट सिस्टम। 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश करी थी कि कानपुर में ये लागू किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया था। और पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली डिमांड थी कि कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाए। अभी 2020 की शुरुआत में भारत में 71 शहर ऐसे हैं जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। 15 राज्यों के 71 शहरों में कमिश्नर पुलिस आपको देखने को मिलेगा। अब इस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट हो जाती है, क्योंकि अर्बन शहरों में जो अर्बन सेंट्रिक इश्यूज हैं उनके लिए अब वो ब्रिटिश कालीन अप्रोच आप नहीं यूज कर सकते कि एक डीएम होगा, रूरल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक एसपी होगा। ये अब बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। अब मॉडर्न अर्बन सिटीज में मॉडर्न समस्याएं हैं, तो इसीलिए फास्ट डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। मल्टीपल जगहों पर काम होता है, तो इस ऐसे में कमिश्नरेट सिस्टम के कारण स्पीड काफी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस क्योंकि पूरे यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर का हेड है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, तो ही इज अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट।
Third, it helps fix responsibility with the commissioner and eliminates blame game between civil administration and police when something goes wrong. इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ. भारत के कई शहरों में आप देखेंगे जब मेले होते हैं तो मेलों में भगदड़ हो जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे में आप हमेशा देखना अगले दिन की हेडलाइन में यही होगा कि पुलिस और प्रशासन एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि प्रशासन की गलती थी. प्रशासन कहेगा पुलिस की गलती है. प्रशासन कहता है कि पुलिस ने पर्याप्त संख्या में ऑफिसर्स को तैनात नहीं किया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए. पुलिस ऑफिसर्स कहेंगे कि प्रशासन ने जरूरी बंदोबस्त नहीं किया, बैरिकेडिंग्स नहीं लगवाई जितनी भीड़ आनी चाहिए थी उसे मैनेज करने के लिए. तो इस तरह से दोनों के बीच में ये ब्लेम गेम हमेशा से चलता आया है और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में ये गेम बंद हो जाएगा क्योंकि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर की होगी. तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सरकार को पता है कि किसे बुलाना है, किसे अकाउंटेबल होल्ड करना है. तो जहां पर ड्यूअल सिस्टम नहीं होगा वहां पर डिलेज नहीं होंगे और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी. फाइनली आपको एक साइड नोट बताना चाहता हूं. देखिए ये सिस्टम कमिश्नरेट सिस्टम सभी जगह लागू क्यों नहीं हो पाता आसानी से, बिकॉज आईएएस ऑफिसर्स की जो लॉबी है वो इसके खिलाफ रहती है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पावर उनके हाथ से निकालकर आईपीएस ऑफिसर्स को दी जा रही है तो दे विल बी अगेंस्ट इट. इनफैक्ट यूपी में भी 1978 में ये सिस्टम लागू होने वाला था लेकिन तब भी आईएएस ऑफिसर्स ने इसे लागू नहीं करने दिया सरकार को. तो ये सिस्टम इसीलिए धीरे धीरे राज्यों में पहुंचा है और अभी भी ओनली 71 सिटीज में ये मौजूद है. आपके लिए एक क्वेश्चन है जाते जाते, बताइए मुझे कि आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहां पर होती है. भारत में आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग किस शहर में होती है और उस एकेडमी का नाम क्या है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ग्रेट डे.